खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल हुए। यहां पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर फिर एक बार तंज कसा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टार्टअप तो बहुत लोग लॉन्च करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में तो ज्यादा और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि आप में और उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं, एक लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। पीएम मोदी की यह बात सुनकर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। दरअसल स्टार्टअप महाकुंभ मार्च के 18 से 20 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज देश 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ बहुत महत्व है। बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप की दुनिया का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये स्टार्टअप वाले सफल क्यों होते हैं, उनके अंदर कौन सा जीनियस एलिमेंट है जिसके कारण यह सफल हो जाते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया है, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, अभी देश की छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस और यहां तक कि योग और आयुर्वेद के स्टार्टअप भी शुरू हो चुके हैं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं, एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। क्यों भाई, पीछे देर हो गई? साथियों, आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो कौन सी उनके अंदर एक जीनियस एलिमेंट है जिसके कारण ये सफल हो जाते हैं। तो मुझे एक विचार आया, आप लोग तय करना मैं सही हूं कि गलत हूं।
जो आपकी टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में उद्योग जगत व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है, और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है, यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे, ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं,